आदमी बोली से पिछड़ हो जाए। एक राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजा ने एक हिरण का पीछा किया, लेकिन हिरण भागकर ओझल हो गया। राजा उसकी खोज में आगे बढ़ता गया। पीछा करते करते राजा को एक सूरदास साधु तपस्या करता हुआ दिखलाई पड़ा। राजा ने सूरदास से बड़े मीठे स्वर में पूछा कि हे सूरदास जी महाराज, इधर से कोई हिरण भागता हुआ निकला हो तो कृपया बतलाइए। सूरदास ने उत्तर दिया कि नहीं राजन, इधर से कोई हिरण नहीं गया। थोड़ी देर पीछे उधर से राजा का मंत्री गुजरा और उसने भी सूरदास से पूछा कि सूरदास जी, इधर से कोई हिरण तो भागता हुआ नहीं निकला। सूरदास ने उत्तर दिया कि नहीं दीवान जी, कोई हिरण नहीं निकला। थोड़ी देर बाद हवालदार आया और उसने रोब से पूछा कि क्यों सूरदास, इधर से कोई हिरण तो नहीं गया। साधु ने कहा, नहीं हवालदार, कोई हिरण नहीं गया। अंत में सिपाही आया और उसने बड़े कठोर स्वर में सूरदास से पूछा, क्यों रेंदे, इधर से कोई हिरण तो नहीं गुजरा। सूरदास ने उत्तर दिया कि नहीं सिपाही, नहीं गुजरा। आगे जाकर सब लोग इकट्ठे हुए और सब ने अपनी अपनी बात कही तो सूरदास की विज्ञता पर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब फिर सूरदास के पास आकर पूछने लगे कि आपके नेत्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने हम सबको कैसे पहचान लिया। इस पर सूरदास ने उत्तर दिया कि मैंने आपकी बोली से यानी बोलने के ढंग से आप सबको पहचान लिया।